हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सना मकबूल बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 3 की विजेता बन गई है। 25 लाख की रकम मिली है तो वही ट्रॉफी भी जीत लिए है उन्होंने, लेकिन अभी भी है सना मकबूल काफ़ी परेशान। जी हां, आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार सना क्यों परेशान है। सना जब विजेता बन गई है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स उन्हें मिलने लगे हैं, फिर भी आखिरकार उनके चेहरे पर शिकन क्यों है? आखिर क्यों वो परेशानी से जूझ रही है? आखिर क्यों उनकी रातों की नींद उड़ गई है? यकीनन आप भी चाहते होंगे जानना। तो अगर नए हैं चैनल पर तो बिना देरी के गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर 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 कर लीजिएगा। दरअसल मैं आपको बताने वाली हूँ कि सना अब इतने दिनों बाद बिग बॉस के हाउस में रहने के बाद जब घर गई हैं तो उन्हें रातों को नींद नहीं आती, वो करवटें लेती रहती है क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की याद सताती है, उन्हें बिग बॉस की याद आती है। जी हाँ, बिग बॉस की आवाज़ को वो मिस कर रही हैं और यही वजह है कि वो घर में अपने एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं कि अब तुम जी चुकी हो, तुम अपने घर आ गई हो, अब तुम नॉर्मल हो जाओ। यहाँ तक कि उन्हें समझाया जाता है कि कुछ वक्त लगेगा, तुम सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाओगी। जी हाँ, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये बदलाव अब सना को अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी से जूझ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सना मकबूल है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्या है आपकी राय, ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना